भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उन योजनाओं को लागू करने में, फॉलो करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी। क्लियर हो पाया है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। लोग बोल रहे हैं कि इनके जो शीर्ष नेता हैं उनमें आपस में असमंजस है इसको लेकर। कोई बोलता है नए को रखा जाए, कोई बोलता है कि पुराने नए को रखा जाए। इस तरह की जो स्थिति निर्मित हो रही, क्या लग रहा है और भी समय लगेगा? कांग्रेस में जिस तरह से जो आपके शीर्ष नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रभारियों पर, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये कब विराम लगेगा इसमें और इस पर कोई एक्शन आगे और भी होने वाला है? हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद ही मंत्रालय में बैठक होने वाली है और इनका यह कहना है कि आपके शासनकाल में जो योजनाएं थी उनकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी योजना अनुपयोगी थी, ऐसा इनका कहना है। क्या कहना है? अब जनता के खाते में सीधा 1,75,000 करोड़ जा रहा है, अनुपयोग कैसे हो सकती है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का उन योजनाओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उन योजनाओं को लागू करने में, फॉलो करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी। उनका नियत साफ नहीं है तो इस तरह से सोच रहे होंगे, लेकिन सीधा हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चली थी वो सीधा जनता को लाभ देने वाली योजनाएं थी। ये बताइए कि बहुमत मिल चुका है, 54 सीट इनको मिल चुकी है, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम क्लियर हो पाया है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। लोग बोल रहे हैं कि इनके जो शीर्ष नेता हैं उनमें आपस में असमंजस है इसको लेकर। कोई बोलता है नए को रखा जाए, कोई बोलता है कि पुराने नए को रखा जाए। इस तरह की जो स्थिति निर्मित हो रही, क्या लग रहा है और भी समय लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एक तो उनको उम्मीद था भी नहीं सरकार बनेगा, एक तो सरकार बन गई, उसके बाद भी असमंजस में आप, हम लोग, पूरी प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह असमंजस में है। तो ठीक है, ये तो उनका निर्णय है किसको बनाना है, क्या करना है, लेकिन अगर सरकार चलाना है तो जल्दी गठन कर देना चाहिए। आने वाले दिनों में और सिर फुटा हुआ नजर आएगा क्या? अब इस पे मुझे तो कुछ नहीं कहना है, यानी कि ये उनका निर्णय है क्या स्थिति हो सकता है। ये आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस में जिस तरह से जो आपके शीर्ष नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रभारियों पर, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये कब विराम लगेगा इसमें और इस पर कोई एक्शन आगे और भी होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी गाइडलाइंस के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में आकर बात करना चाहिए, सार्वजनिक बयानबाजी करना ये उचित कहीं भी नहीं है। अगर कोई इस तरह से फिर से बयानबाजी करेगा, पार्टी उसके खिलाफ अनुशासन पर कार्रवाई करेगी। तो ये थे दीपक बैज जी, और इनका कहना है कि पार्टी की एक मर्यादा होती है, अगर किसी को पार्टी में कोई बात कहना है तो पार्टी की जो अंदरूनी बैठक होती है उसमें बात करना चाहिए, सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कोई अगर आगे भी इस तरह से पार्टी के खिलाफ जाकर या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की अनुपयोगी योजनाओं पर की समीक्षा की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का फैसला है और कांग्रेस की योजनाएं जिसमें कई करोड़ रुपए लोगों के पास पहुंचे हैं और लोगों को उनकी सहूलियत मिली है, जो सौगात साबित हुई है आम जनता और गरीबों के लिए, उसको ये बंद करेंगे तो उसको जनता को उनका जवाब देना पड़ेगा। कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।